बहुजन समाज पार्टी में हड़कंप मच गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान की वजह से पद से हटा दिया है। बसपा प्रमुख का कहना है कि उनको खबर मिली है कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने पार्टी की विचारधारा के अनुरूप नहीं उसके खिलाफ बयान दिया है, इस वजह से उनको अपने पद से फौरन हटा दिया गया है। आपको बता दें, जिस नेता पर कार्रवाई की गई है वो राष्ट्रीय स्तर का नेता है और अगले बसपा प्रमुख में भी उस नेता का नाम चल रहा था। वो नेता है जयप्रकाश सिंह। जेपी सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता से अधिक अपनी माँ जैसे दिखते हैं और सोनिया जी विदेशी मूल की हैं, इस वजह से राहुल गांधी कभी पीएम पद के प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। खबर सामने आने के बाद केस को गंभीरता से लेते हुए बसपा मुखिया ने तुरंत कार्रवाई की और जेपी सिंह को पार्टी के पद से हटा दिया। न्यूज टाइम्स के लिए उमेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।